वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू किचन ऑफ चंद्रिमा। मैं हूँ चंद्रिमा और आज की हमारी रेसिपी है आलू पोस्तो। जी हाँ, पोटैटो इन पॉपी सीड्स, जो कि एक सादा आलू पोस्तो है, जो एक ऑथेंटिक बंगाली साइड डिश है जिसको राइस के साथ खाया जाता है और ये हर रोज़ बंगाली घर में ऑलमोस्ट बनता ही है। तो अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इस वीडियो के नीचे जो सब्सक्रिप्शन बॉक्स है उसको क्लिक कीजिए और उसके पास बेल आइकन को भी, ताकि आपको मेरे चैनल की हर रेसिपीज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने तीन बड़े साइज़ के आलू लिए हैं, तकरीबन 400 ग्राम। तो इसको हम पहले बहुत ही नीटली एकदम क्लीन पील कर लेंगे। हम इसके छिलके को ऐसे धीरे धीरे पीलर की मदद से निकाल रहे हैं और इसी तरीके से हम सारे आलू को पील कर लेंगे। इस छिलकों को हम फेंकेंगे नहीं, इसको भी हम डिफरेंट एक साइड डिश में यूज़ करेंगे। तो आप देख सकते हैं मैं ये आलू को एक छुरी की मदद से किस तरीके से काट रही हूँ। ये बहुत ही मीडियम साइज़ के, छोटे नहीं, बहुत छोटे नहीं, मीडियम साइज़ के क्यूब साइज़ पीसेस आप देख सकते हैं मैंने किसके ऐसे पीसेस किए हैं। और हाँ, ये जो सारे पीसेस हैं वो इवन होने चाहिए, यानी कि कुछ भी बड़ा या छोटा होने से हम जब इसे कुक करेंगे तो आलू कच्चे रह सकते हैं, इसीलिए इसको एक ही पीसेस में काटें। और कुछ इस तरीके से सारे आलू को हम काट लेंगे। आप देख सकते हैं अभी आलू हमारा काट के रेडी हो चुका है। अभी चलिए इसको हम अच्छे से धो लेंगे, क्योंकि आलू के अंदर एक्सेस स्टार्च होता है और काटने से वो निकल के आता है। तो इसको एक साफ़ पानी, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पानी से अच्छे से हम धो के, और एक सेपरेट से हम पॉट यहाँ पर ले रहे हैं, इसमें स्ट्रेन करके अपने हाथों की मदद से, यूजुअली करें, कुछ डिफ़िकल्ट काम नहीं है, ताकि एक्सेस वाटर इसके अंदर से निकल जाए। इसको ऐसे हम स्ट्रेन करके निकाल के रख देंगे। अभी चलिए यहाँ पे हमने पॉपी सीड्स लिया हुआ है। पॉपी सीड यहाँ पे मैंने 8 टेबलस्पून लिया हुआ है, यानी कि हर 100 ग्राम आलू के लिए 2 टेबलस्पून पॉपी सीड, यही है परफेक्ट रेशियो अगर आपको बहुत अच्छी एक ग्रेवी चाहिए तो। तो इसको हमने एक ब्लेंडर में डाल दिया है और इसको हम ड्राई तरीके से ही अच्छे से इसको ब्लेंड करेंगे। आप देख सकते हैं 2 मिनट तक ब्लेंड करने के बाद इसका एक बहुत ही फाइन पाउडर निकल के आ चुका है। इसके ऊपर हम आधा कप यहाँ पे पानी मिला देंगे, वो भी रूम टेम्परेचर है, और उसको भी अच्छे से 2 से 3 मिनट तक ब्लेंड करने से हमें एक अच्छा स्मूथ स्ट्रक्चर पॉपी सीड्स का मिल जाएगा। आप देख सकते हैं बहुत ही फाइन पेस्ट यहाँ पर बन चुका है और ये थोड़ा सा गाढ़ा है, बाद में हम इसको डाइल्यूट कर लेंगे। तो चलिए अभी बनाने के प्रोसेस की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई में 3 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल लिया है। आप कभी भी अगर आलू पोस्तो यानी कि पोटैटो पॉपी सीड्स करी बना रहे हैं तो उसको ज़रूर आप मस्टर्ड ऑयल में ही बनाइए। और उसी के साथ यहाँ पर मैंने काला जो जीरा है वही डाला है, यानी कि नाइजेरिया सीड्स। अभी इनको डालने के बाद एक एक मिनट तक इसको हम हल्के मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसको हम थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करेंगे। ज़्यादा हाई ना रखें टेम्परेचर को, वरना ये जो रोस्ट है हमारा जल सकता है। और उसी के साथ साथ यहाँ पे हम धीरे धीरे करके जो आलू हैं उनको मिला देंगे। आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से इसको धीरे धीरे करके फ्राई होने के लिए दे रही हूँ। अभी इसको हमें थोड़ा सा स्टर फ्राई करना है 3 से 5 मिनट के लिए, ताकि आलू का जो कच्चापन है वो भी निकल जाए और आलू का ऊपर का जो स्ट्रक्चर है, यानी कि हमारे पोटैटो का जो ऊपर का स्ट्रक्चर है, वो थोड़ा सा हल्का सा फ्राई हो जाए, तो फिर खाने में ये थोड़ा ज़्यादा टेस्टी लगता है। और नाइजेरिया सीड्स यानी कि जो काला जीरा यहाँ पे हमने डाला है, उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है इस पॉपी सीड्स के साथ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने जो पहले से पॉपी सीड्स का पेस्ट बना के रखा था उसमें 1/2 कप पानी मिला के उसको अच्छे से डाइल्यूट कर लिया है। आप देख सकते हैं किस तरीके से एकदम एक फाइन पेस्ट बन चुका है। अभी स्टर फ्राई किए हुए आलू के ऊपर हम ये जो पॉपी सीड का पेस्ट है, यानी कि पोस्तो बाटा, इसको हम अच्छे से डाल देंगे। धीरे धीरे करके पूरा हमें इसको डाल देना है इसके ऊपर, और इसको भी हम मीडियम फ्लेम पे थोड़ा सा अच्छे से आलू के साथ मिक्स करते हुए इसको भी हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। इसको 3-4 मिनट तक हमें
ऐसे ही मिलाते हुए भूनते रहना है ताकि पॉपी सीड्स का यानी कि पोस्तों का जो यानी खसखस का जो कच्चापन है वो निकल जाए। और उसी के साथ यहाँ पे हम 1.5 कप पानी मिला रहे हैं। ये पानी नॉर्मल टेम्परेचर में मैंने लिया हुआ है और इसको अच्छे से हम एक मिक्स दे देंगे बहुत ही अच्छी तरीके से। आप देख सकते हैं ये बहुत ही सिंपल दिखने वाली डिश है। और इसी के साथ हम 1 टेबलस्पून सॉल्ट डाल रहे हैं यानी कि नमक, और 2 ग्रीन चिली यानी कि हरी मिर्च। यहाँ पे नमक और मिर्च आप अपने हिसाब से डालें, आपको अगर तीखा पसंद है तो तीखा डालें थोड़ा ज़्यादा, और अगर आपको मीठा पसंद है जो कि मैं यहाँ पे नहीं डाल रही हूँ तो आप यहाँ पे 1 चम्मच चीनी भी मिला सकते हैं। तो इसको हम ढक के 15 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पे हमें इसे पकाना है। अब देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से 15 मिनट हो चुके हैं और इसको हमें पकाते हुए आप देख सकते हैं आलू बिल्कुल पक चुके हैं इसके अंदर। जी हाँ, तो मैं जैसे बता रही थी ये देखने में तो बहुत ही सिंपल सी एक डिश है पर ये बहुत ही टेस्टफुल होता है राइस के साथ और बहुत ही फ्लेवरफुल है, बहुत ही फुलफिलिंग एक डिश है और ये एक ऑथेंटिक करी है। तो अगर आपको इसी तरीके से पसंद है, जो थोड़ा सा अगर आपको इसमें पानी ज़्यादा पसंद है, ज़्यादा ग्रेवी आप प्रेफर करते हैं तो आप इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, या तो फिर आप इसको और 2 मिनट तक थोड़ा सा सूखा सूखा करेंगे जैसे कि मुझे पसंद है। तो इसको हम और 2 मिनट तक ऐसे मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे ताकि इसका पानी और सूख जाए। आप इसको छोड़ देंगे क्योंकि अगर हम ज़्यादा ड्राई कर देंगे तो आलू जो है वो पानी बिल्कुल सोख कर लेगा। तो एकदम ऑथेंटिक पोस्तो रेडी है। अब इसको गार्निश कीजिए मस्टर्ड ऑयल के साथ। 1 चम्मच मस्टर्ड ऑयल इसके ऊपर से डाल दीजिए तो इसका फ्लेवर और भी एनहांस हो जाएगा। इसको खाइए आप राइस के साथ और इन्जॉय कीजिए एक बंगाली ऑथेंटिक डिश। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए ये चैनल। फिर मिलते हैं एक नए रेसिपीज़ के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।